हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग एक रिजल्ट देखने वाला है, वो एक पेशेंट का जिन्होंने आज से 6 महीने पहले अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो मेल पैटर्न बॉन्डलेस नहीं थी। जनरली आपने हमारी जितनी केस स्टडी देखी होगी, मैक्सिमम केस स्टडी में जो यू नो पेशेंट्स की प्रॉब्लम होती है वो फ्रंटल हेयर लॉस की होती है या क्राउन की होती है, लेकिन आज का जो पेशेंट है उनकी प्रॉब्लम मिड स्कैल्प की थी, उनकी प्रॉब्लम फ्रंटल हेयर लाइन या फिर क्राउन की नहीं थी। उनकी प्रॉब्लम को आप डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस भी बोल सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको पूरी उनकी जर्नी शो करने वाले हैं, उनके ट्रांसप्लांट डे से लेके आज की डेट तक किन किन सिचुएशन से वो गुजरे हैं। एक्चुअली आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिन पेशेंट का हम केस डिस्कस करने वाले हैं ये थोड़ा डिफरेंट है। जनरली आप अगर हमारी वीडियोस देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, अगर हम स्टैट्स की भी बात करें, तो मेल पैटर्न बॉन्डलेस से गुजर रहे होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मेल पैटर्न बॉन्डलेस से नहीं गुजर रहे होते, उनका डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस होता है। वो पेशेंट जब हमारी वीडियोस देखते हैं या फिर इंटरनेट में और भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन हम जैसे पेशेंट्स के लिए है कि नहीं। सो आज की वीडियो को इसीलिए हमने प्रिपेयर किया है, जिन पेशेंट का रिजल्ट हमने शो किया है वो डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस से गुजर रहे थे, उनकी पूरी जर्नी शो की है हमने, ताकि अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है क्या डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस के केस में ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है कि नहीं, वो सारी कंफ्यूजन आज की वीडियो में क्लियर हो जाए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली आप लोगों में से बहुत लोगों को पता लग चुका होगा कि इस बॉक्स में है क्या। एक्चुअली ये बॉक्स YouTube की तरफ से आया है, ये सिल्वर प्ले बटन है। तो आज की वीडियो में आपको थोड़ा बॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ प्ले बटन की, ये ट्रांसपोर्ट चैनल में थोड़ी अलग टाइप की अनबॉक्सिंग होने वाली है आज। ये एक्चुअली आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो। आप देख सकते हैं जैसे हमने बॉक्स को ओपन किया, सबसे पहले हमारे पास आता है एक सर्टिफिकेट जो YouTube की तरफ से आया है। सो बेसिकली ये लेटर है जो हमें YouTube की तरफ से मिला है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई है और इसमें सिग्नेचर है CEO ऑफ YouTube के। ऑब्वियसली ये सारे क्रिएटर्स को मिलता है जो भी 100,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन क्लियर कर देते हैं। अब बात आती है असली चीज़ की जो इसके अंदर है, दैट इज़ YouTube प्ले बटन। अगर हम इसको दिखाएँ तो बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहा है, आप इसमें देख सकते हैं, प्रेजेंटेड टू प्रभात नवानी फॉर पासिंग 100,000 सब्सक्राइबर्स फॉर YouTube। आप देख सकते हैं बहुत ही वंडरफुल टाइप का ये आपको प्ले बटन दिखाई दे रहा होगा। बिलीव मी, जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप के चैनल पे भी कभी 100,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो सकेंगे। एंड बिलीव मी, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, हमने जो एक कम्युनिटी को डेवलप किया है। एंड बिलीव मी, ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक कम्युनिटी है हम सब लोगों की। आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आई कांट, मेरे पे कोई वर्ड नहीं है आपको बोलने के लिए, लेकिन मैं इतना ज़्यादा आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि हम लोगों ने इस फैमिली को बनाया, हम लोगों ने इस फैमिली को ग्रो किया साथ मिलके, और डेफिनेटली वी विल कीप ग्रोइंग दिस फैमिली एज मच एज वी कैन। और हाँ, एक आप सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो भी आप वीडियो देख रहे हो कि इस YouTube प्ले बटन को हम अपने बैकग्राउंड में लगाएं कि ना लगाएं, अभी की अभी कमेंट करके बता दीजिए। लेकिन सबसे पहले अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो, आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका खर्चा ट्रांसप्लांटेशन में कितना आएगा, आपको कहाँ से ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.bestrelip.com पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल जाएंगे, बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी आपको, बहुत सारे क्लिनिक्स के रिव्यूज़ मिल जाएंगे और आप अपना ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफ़ी लोग करवा चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक में क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिफोर द सर्जरी की, तो आप कंडीशंस देख सकते हैं पेशेंट्स की, इनकी फ्रंटल लेन इतनी ज़्यादा रिसीड नहीं हुई है, जबकि अगर हम कंपेयर करें मेल पैटर्न बॉन्डलेस के पेशेंट्स हैं तो उनकी फ्रंटल लेन काफ़ी ज़्यादा रिसीड हो चुकी होती है, पैच क्रिएट हो चुका होता है। अगर आप ध्यान दें इनके डोनर एरिया की तरफ तो आप इजीली देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंस इनका डोनर एरिया है, हेयर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल है। अब अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो आप इनकी मिड स्कैल्प में अगर आप ध्यान दें तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं है, अगर हम फ्रंट से लेके बैक साइड तक की बात करें, पूरे स्कैल्प की बात करें, तो बीच में आपको कोई एरिया ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे पूरा पैच क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं किसी मेल पैटर्न बॉन्डलेस के केस से, वहाँ पे तो पैचेस क्रिएट होने लग जाते हैं, मतलब फ्रंटल हेयर लाइन में पैच बन जाता है, आपकी क्राउन में पैच बन जाता है। वेयर इन द केस ऑफ दिस पेशेंट, अगर आप डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस के केस में देखें तो आप इजीली देख सकते हो कहीं भी आपको पैच नहीं दिखाई दे रहा है, सारी जगह से थोड़े थोड़े बाल झड़े हुए हैं, ये पूरा एरिया थिन आउट हो चुका है। सो इसीलिए डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस के जो केसेस होते हैं वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्लिनिक का।
वहाँ पे आपके जो भी सर्जन ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म करने वाले हैं उनका एक्सपीरियंस इस यू नो केसेस में होना चाहिए ताकि आपकी सर्जरी वो अच्छे तरीके से कर पाएँ। अब बात करें हम प्री सर्जरी प्लानिंग की, जो सर्जरी से पहले प्लानिंग की जाती है कि कहाँ से ग्राफ्ट निकालने हैं, कौन से एरिया में ज़्यादा ग्राफ्ट निकालने हैं, डेंस पैकिंग कहाँ पे करनी है, कहाँ पे स्प्रेडिंग में ग्राफ्ट लगाने हैं, तो आप इजीली देख सकते हो कि आपका जो स्कैल्प है वो पूरा ट्रिम कर दिया गया है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन बिना ट्रिम किए करवा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई थी आज से लगभग 6 महीने पहले, जिसमें हमने एक पेशेंट का रिजल्ट शो किया था जिन्होंने विदाउट शेविंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर दूं, और ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट का यही रिकमेंडेशन होता है, तो ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट आपका ट्रिम करना ही प्रेफर करते हैं। और इसका एक सिंपल सा रीज़न है, देखिए जब आपका स्कैल्प ट्रिम होता है तो ईजिली यू नो जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि कहाँ पे ग्राफ्ट्स नहीं लगे हैं, कहाँ पे ग्राफ्ट्स लगाने हैं। और अगर हम ग्राफ्ट के प्लेसमेंट की बात करें तो जब हमारा स्कैल्प ट्रिम्ड होता है तो वहाँ पे प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाता है। सो अब बात करते हैं आफ्टर द सर्जरी की, तो आप इन पेशेंट की सर्जरी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी ग्राफ्ट्स का प्लेसमेंट हुआ है। फ्रंटल हेयरलाइन को ज़्यादा नीचे नहीं बनाया गया है, बिल्कुल नेचुरल टाइप से इनकी फ्रंटल हेयरलाइन बनाई गई है। सिंगल हेयर फॉलिकल का इस्तेमाल किया गया है फ्रंटल हेयरलाइन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारी और केस स्टडीज़ देखो तो मैक्सिमम केस स्टडीज़ में टेम्पल्स क्रिएट किए जाते हैं, वेर इन द केस ऑफ दिस पेशेंट इनके टेम्पल्स नहीं बनाए गए। इसका एक बहुत सिंपल रीज़न है कि इनके ऑलरेडी टेम्पल्स बहुत अच्छे थे, यू नो इनके केस में टेम्पल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एक और बात की तरफ अगर आप ध्यान दें तो इनके अगर स्कैल्प में देखें तो जो ग्राफ्ट्स की पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा डेंस नहीं की गई है, वेर इन द केस ऑफ अगर आप पुराने केस स्टडीज़ में देखिए यहाँ पे मेल पॉटन बॉन्डनेस का केस होता है तो वहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है वो डेंस किया जाता है ग्राफ्ट्स का, वहाँ पे डेंस पैकिंग की जाती है। इनके केस में आप देख सकते हैं डेंस पैकिंग नहीं करी गई है, यू नो ग्राफ्ट्स जो है वो स्प्रेडिंग में लगाए गए हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ्ट्स जो थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे। अगर आप फोटोज़ में देखो तो बीच में जो गैप्स छूटे हुए हैं वहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ्ट्स हैं, तो इसीलिए हो सकता है आपको फोटोज़ में लग रहा हो कि इनकी डेंस पैकिंग नहीं की गई है। लेकिन जब इनका रिजल्ट आप आगे जाके वीडियो में देखोगे आप समझ जाओगे कि डेंस पैकिंग करना इनको ज़रूरी नहीं था। अब अगर हम बात करें आफ्टर 45 डेज़ की, लगभग 1.5 महीने बाद की बात करें, तो अब केस बिल्कुल पहले जैसा हो चुका है, बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। अगर आप ध्यान दें ट्रांसप्लांट से पहले का तो ऑलमोस्ट आपको सेम ही लग रहा होगा, क्योंकि जो ग्राफ्ट्स आपके लगाए गए थे ट्रांसप्लांटेड वो सारे झड़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है शेडिंग फेज आ चुका है। अब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होने लगती है ना, जो अपना ट्रांसप्लांटेशन जिन्होंने रिसेंटली करवाया होता है उनका शेडिंग फेज 5-6 दिन में स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्होंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा होता है कि शेडिंग फेज 15 दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, सो वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होने लगता है और पैनिक होने लगता है। देखिए शेडिंग फेज पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, मैक्सिमम पेशेंट्स में शेडिंग फेज 7-10 डेज बाद आ जाता है, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और ये लगभग 1.5 से 2 महीने तक चल सकता है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका शेडिंग फेज जल्दी स्टार्ट हो गया तो आपको घबराना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। काफ़ी पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनका 1 महीने बाद तक भी शेडिंग फेज स्टार्ट नहीं होता, और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शेडिंग फेज ही नहीं होता। अब अगर हम बात करें आफ्टर 3 मंथ्स की, तो आप देख सकते हैं इंप्रूवमेंट अब थोड़ा बहुत विजिबल है, क्योंकि जो ग्राफ्ट झड़े थे शेडिंग फेज के टाइम वो धीरे धीरे करके वापस आने लगे हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि चलिए हमने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इनिशियली तो जॉनसन बेबी शैम्पू इस्तेमाल किया और लगभग रोज़ ही हम वॉश कर रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें 1 से 2 महीने बाद की, जब यू नो जो पहला महीना पूरा कंप्लीट हो गया ट्रांसप्लांट के बाद, अब हमें दिन में कितनी बार शैम्पू यूज़ करना है, अपने हफ्ते में कितनी बार शैम्पू यूज़ करना है, तो अगर आप अपने सर्जन से पूछो तो वो आपको हफ्ते में 2 बार ही यू नो शैम्पू रिकमेंड करते हैं। इनिशियली हो सकता है आपको रेगुलरली वॉश करना पड़े, हर दिन में 1 बार शैम्पू लगाना पड़े फॉर 1 मंथ और फॉर 45 डेज, लेकिन अगर हम बात करें 2 से 3 महीने बाद की, तब आपको हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं करना और कोई भी हार्श शैम्पू यूज़ नहीं करना। अब अगर हम बात करें आफ्टर 4 मंथ की, अब आपको डिफरेंस अच्छा खासा दिख रहा होगा, जस्ट बिकॉज इनकी डेंसिटी थोड़ी बहुत बढ़ने लगी है। आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयरलाइन इनकी पूरी डेवलप हो चुकी है, मिड स्कैल्प में थोड़ी बहुत डेंसिटी कम लग रही होगी क्योंकि अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं। जैसे आप सभी को बताएं रिजल्ट आने में कम से कम 4 से 8 महीना लगता है। सो अभी अगर हम टेम्पल्स की बात करें तो मैंने आपको इनिशियली बताया था इनके टेम्पल्स ऑलरेडी अच्छे थे, तो इनके टेम्पल्स नहीं बनाए गए थे। अब आफ्टर 5 मंथ्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं डेंसिटी अच्छी खासी इंक्रीज हो चुकी है, फ्रंटल हेयर पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है। और अगर आप ध्यान दें इनके फ्रंटल हेयरलाइन की तरफ तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगती है। आपने काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे देखे होंगे जहाँ पे यू नो जो फ्रंटल हेयरलाइन होती है वो क्लियरली विजिबल होती है, देख के कोई भी बताया था कि हाँ तुमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, लेकिन अगर आप इन पेशेंट के केस में देखो तो फ्रंटल हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल लगती है, क्योंकि फ्रंटल हेयरलाइन में सिंगल हेयर फॉलिकल का इस्तेमाल किया गया है, एंगुलेशन का अच्छे से ख्याल रखा गया है एंड प्लेसमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इसीलिए जो इनकी फ्रंटल हेयरलाइन है बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रही है। क्राउन की बात करें तो पूरी तरीके से हील हो चुका है इनका क्राउन, और अभी भी सिर्फ 5 महीने हुए हैं, अभी भी रिजल्ट आना बाकी है।
अब आफ्टर 6 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग इनका रिजल्ट आया है। फ्रंटल लेन बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लग रही है। डेंसिटी देखिए, मैंने आपको बताया था डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस का केस था, वहाँ पे मिड स्कैल्प में इनकी बिल्कुल भी डेंसिटी नहीं थी, और अब आप डेंसिटी देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से आ गई है। जस्ट बिकॉज इनके ग्राफ का प्लेसमेंट अच्छा हुआ तो जो एग्जिस्टिंग हेयर इनके पहले थे ट्रांसप्लांट से पहले के जो हेयर थे वो डैमेज नहीं हुए, इसी वजह से इनकी डेंसिटी बहुत अच्छी लग रही है। और यही एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी पेशेंट की जब वो ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लेते हैं कि उनको एक अच्छी हेयर लाइन चाहिए, उनको अच्छी डेंसिटी चाहिए, ओवरऑल उनका लुक नेचुरल आना चाहिए कि कोई देख के उनको बता ना पाए कि इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया है। डोनर एरिया की बात करें तो कोई इनको देख के बता नहीं सकता कि डोनर एरिया से ग्राफ्ट्स निकाले गए हैं, क्राउन पूरे तरीके से हील हो चुका है, बहुत अच्छा इनका अपीयरेंस आ रहा है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में हम जितनी भी वीडियोज़ लाएँ उनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।